हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन। एंड रिसर्च इन एजुकेशन में ही हम पार्ट ए फिनिश कर चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसर्च इन एजुकेशन का पार्ट बी। तो पार्ट बी में आपके टॉपिक दिए हुए वेरिएबल्स, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स के टाइप्स क्या हैं। तो जैसे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, those attributes of objects, events, things and beings which are measured, यानी ऐसे objects, events, things जिनको क्या कर सकते हैं, measure कर सकते हैं, जिनको मापा जा सकता है, उनको क्या कहते हैं, variables कहते हैं। और variables time to time क्या होते रहते हैं, change होते रहते हैं, है ना, which varies, variables which varies, यानी जो क्या होते रहते हैं, change होते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम variables बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज, है ना, एज हो गया आपका, एटीट्यूड हो गया, है ना, ऐसे ही ऐसे ही बहुत सारे आपके वेरिएबल्स हैं जिनको जो कैसे होते थे, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और उनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। देन आपका नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखी है, वेरिएबल्स आर द कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट कंट्रोल और ऑब्जर्व, यानी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी कंडीशंस जिनको एक्सपेरिमेंटल या रिसर्चर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, मैनिपुलेट करता है और कंट्रोल करता है, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जिनको रिसर्चर क्या करता है, उनका ऑब्जर्व करता है कि उसमें चेंजेस कैसे आ रहे हैं। दूसरी चीज, रिसर्चर क्या करता है, वेरिएबल्स में मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेशन का मतलब उसमें चेंजेस करना, तो वो क्या होता है, मैनिपुलेशन। कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल करना, चीज़ों को नियंत्रण में करना, कंडीशंस को कंट्रोल में होते हैं। तो वेरिएबल्स अगर एक लाइन में बोला जाए तो हम कह सकते हैं वेरिएबल्स वो एट्रीब्यूट्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको रिसर्चर क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, ऑब्जर्व करता है एंड कंट्रोल करता है। वेरिएबल्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल्स वो हैं जिनको क्या, जिनको मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है। जैसे आपका एज हो गया, एटीट्यूड हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, है ना, ऐसे बहुत, ये कुछ मैंने नाम बताया, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, है ना, तो ये आपके क्या हो गए, वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हो गए। देन हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पे। एजुकेशन पेपर में आपके सिलेबस में दिए हुए हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल एंड मॉडरेट वेरिएबल। तो ये कुछ टाइप्स आपके सिलेबस में एज इट इज दिए हुए हैं, तो इनको हम डिटेल में समझेंगे कि हर एक टाइप के वेरिएबल में कैसी कंडीशंस होती हैं और इन वेरिएबल्स को कब कब हम यूज़ करते हैं और इनमें होता क्या क्या चीज़ें। तो पहला आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, देन है आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल, देन इंटरवीनिंग वेरिएबल एंड मॉडरेटर वेरिएबल। तो ये वेरिएबल एजुकेशन पेपर के सिलेबस में एज इट इज़ दिए हुए हैं, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के लिए भी ये वेरिएबल्स उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ आपके पेपर वन रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम जानेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं या हम क्या क्या चीज़ें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में होती हैं। तो अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो बोर्ड पे आपको कुछ पॉइंट्स लिख रहे होंगे, इन पॉइंट्स के थ्रू हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिख रहा है, मैनिपुलेटेड इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र चर। तो नाम से समझ में आ रहा है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट यानी जो किसी के ऊपर निर्भर ना हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इस लाइन में लिखा हुआ है मैनिपुलेशन, यानी मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस करना, फेर बदल करना। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल, सब पहले ये पॉइंट समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या लिखा है, मैनिपुलेशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हम चेंजेस, फेर बदल किस वेरिएबल में करते हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो जितने भी की पॉइंट्स लिखे हुए, ये की पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट के एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, वो इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है,
तो अगर ये की पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे तो आपको वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहेगी और आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा और अगर जहाँ पे भी कोई पॉइंट ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्या है, मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हम मैनिपुलेशन किस में करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करते हैं। देन है इट प्लेज अ रोल ऑफ कॉज, इट प्लेज अ रोल ऑफ कॉज यानी कारण। तो कारण क्या है, कारण कॉज क्या है, इंडिपेंडेंट यानी कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कारण बनता है किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव के ऊपर। इसीलिए इसका रोल क्या होता है, कॉज का रोल होता है किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। देन है आपका मैनिपुलेटेड, जो पॉइंट मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि हमेशा जो मैनिपुलेशन होगा, जो चेंजेस होंगे वो हम किस में करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करते हैं, स्वतंत्र चर में करते हैं। देन है चेंज और कंट्रोल, यानी जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, और कंट्रोल भी किसको करेंगे, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही लेके आते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज वेरिएबल भी बोल सकते हैं और कंट्रोल वेरिएबल भी बोलते हैं। देन है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रिडिक्शन अबाउट डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेड, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। देन आपका है स्टिमुलस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टिमुलस वेरिएबल भी बोलते हैं। इसको स्टिमुलस वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक जब हम स्वतंत्र चर में चेंजेस करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस करेंगे, तो क्या हुआ, हम कुछ ना कुछ करते हैं, स्टिमुलस देते हैं, जिससे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या आता है, चेंजेस आते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टिमुलस वेरिएबल भी बोला जाता है। तो ये पॉइंट्स हैं आपके जो कि रिलेटेड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, उस एग्जांपल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। जैसे अगर जो बात करें हम एजुकेशन की, तो एजुकेशन में एज अ टीचर आप क्लासरूम के अंदर पढ़ाओगे जाके। सपोज कि अब आपके पास दो टीचिंग मेथड्स हैं, एक मेथड है लेक्चर मेथड और दूसरा मेथड है कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड। ठीक है, अब ये दो टीचिंग मेथड है आपके पास। तो जब आप पहले वाले टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे थे स्टूडेंट्स को, है ना, ये हो गया आईवी का मतलब है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे डीवी का मतलब है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, लेक्चर मेथड हो गया। क्या हुआ, लेक्चर मेथड। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स का अचीवमेंट या स्टूडेंट के स्कोर। तो स्कोर क्या हो गया आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्यों, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट लेक्चर मेथड से पढ़ाओगे तो लेक्चर मेथड क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। आपके लेक्चर मेथड के पढ़ाने की वजह से, कॉज की वजह से स्टूडेंट्स के स्कोर में या स्टूडेंट्स के अचीवमेंट में क्या इफेक्ट पड़ा, है ना, तो वो क्या हुआ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। यानी जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये क्या हुआ, आपका लेक्चर मेथड हुआ, और जो स्कोर है आपका वो क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। ठीक है, तो अब सपोज कि बच्चे को लेक्चर मेथड से समझ में नहीं आ रहा था, है ना, बच्चों का स्कोर क्या हुआ, डाउन हो गया लेक्चर मेथड के पढ़ाने से। अब टीचर क्या करेगा, टीचर ने पढ़ाया कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड से। अब क्या हुआ, टीचर ने अपने टीचिंग मेथड में क्या किया, चेंजेस किए, बदलाव किए। तो बदलाव किसमें आया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस किए गए, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड है। तो जब आपने कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड से स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो जो स्टूडेंट्स का अचीवमेंट था या स्टूडेंट्स का जो स्कोर था वो क्या हुआ, बढ़ गया। तो इफेक्ट किस में दिखा आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल में दिखा ना, कि बच्चे का स्कोर कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड के पढ़ाने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, अचीवमेंट पे पड़ रहा है। और आप चेंजेस किस में कर रहे हो, अपने टीचिंग मेथड में चेंजेस कर रहे हो। तो इसीलिए क्या हो, इसीलिए आप चेंजेस
मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करते हैं और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रिडिक्शन हम किस पे करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे करते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोला जाता है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, स्टिमुलस वेरिएबल। आपने बच्चों को कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड से पढ़ाया तो आपने बच्चों को स्टिमुलस ही दिया ना, उस स्टिमुलस के बेसिस पे बच्चों ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, तो आपका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इसी तरीके से ये तो एक एग्जाम्पल टीचिंग मेथड का मैंने लिया, आप सिंपल भी समझ सकते हो कि टीचर क्या है यहाँ पे, टीचर है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो स्टूडेंट्स हैं आपके वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि टीचर जब अपने पढ़ाने के स्टाइल में, टीचिंग स्टाइल में चेंजेस करता है तो उसका इफेक्ट क्या दिखता है, स्टूडेंट्स के ऊपर दिखता है, स्टूडेंट्स के स्कोर में दिखता है। तो टीचर क्या है आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, और स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्टूडेंट आप ऐसे भी समझ सकते हो कि स्टूडेंट क्या है, टीचर के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। और टीचर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और इन पॉइंट से भी आपको बहुत हद तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये दो तरीके के होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, टू टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दो तरीके के होते हैं, पहला है आपका टाइप ई और दूसरा है आपका टाइप एस। तो जो आपका टाइप ई वेरिएबल है, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डायरेक्टली मैनिपुलेटेड होता है। टाइप ई इज डायरेक्टली मैनिपुलेटेड एंड टाइप एस इज इनडायरेक्टली मैनिपुलेटेड। टाइप ई का मतलब है डायरेक्टली मैनिपुलेटेड, यानी फॉर एग्जांपल कि अगर जो आप बच्चे को कोई लेसन पढ़ा रहे हो या कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो और वो बहुत लंबा है तो आपने क्या कर दिया कि उस चैप्टर को आपने डिवाइड कर दिया या उसको स्मॉल कर दिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि डायरेक्टली चैप्टर में क्या कर दिया, आपने चेंजेस कर दिए, है ना। तो ये क्या हुआ आपका टाइप ई वेरिएबल हो गया। और टाइप एस वेरिएबल क्या होता है, जो इनडायरेक्टली मैनिपुलेटेड होता है, जैसे कि जेंडर का इफेक्ट अचीवमेंट पे, तो जेंडर का इफेक्ट अचीवमेंट पे आपका क्या है, इनडायरेक्टली मैनिपुलेटेड है, वो डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तो ये आपके हैं टू टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहला है टाइप ई एंड दूसरा है टाइप एस। तो अगर जो हम इसको समराइज करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही हम चेंजेस करते हैं, उसी में हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉज भी बोलते हैं, कॉज वेरिएबल है ये। दूसरा कंट्रोल भी हम किस में करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही करते हैं। देन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं, है ना, किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड था, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड के बेसिस पे आपने अचीवमेंट का क्या किया, प्रिडिक्शन किया, तो अचीवमेंट क्या हो गया आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। देन है आपका स्टिमुलस वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टिमुलस वेरिएबल भी बोलते हैं। तो अब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए और क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी आपको पता चल जाए। अभी बोर्ड पे आपको दो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, अब इन क्वेश्चंस को हम करते हैं, देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज नोन एज। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रिसर्च प्रॉब्लम, एक रिसर्च प्रॉब्लम आपको दी हुई है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इन अ रिसर्च प्रॉब्लम, एक रिसर्च प्रॉब्लम दी हुई है, स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स ऑन द स्कॉलरस्टिक अचीवमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड विच कैन बी डेजिग्नेटेड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन में आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम दी हुई है और उस रिसर्च प्रॉब्लम से आपको ये पता करना है कि इस रिसर्च प्रॉब्लम में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त आपको जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है उस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को ब्रेक कर लेना है। देखिए क्या लिखा है, स्टडीइंग द इफेक्ट, तो यहाँ पे आपको की पॉइंट मिल गया ना,
इफेक्ट, किसका इफेक्ट आपको स्टडी करना है, टीचिंग मेथड्स ऑन द स्कॉलरस्टिक अचीवमेंट, यानी टीचिंग मेथड का इफेक्ट आपको स्कॉलरस्टिक अचीवमेंट पे पता करना है। तो अब इस क्वेश्चन में जो आपका टीचिंग मेथड है वो क्या हो गया, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो आपका स्कॉलरस्टिक अचीवमेंट है ये क्या हो गया, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर डी, टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड्स आपका क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एज इट इज आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं नो डाउट, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि एप्लीकेशन मोड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जब आप एप्लीकेशन मोड के क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे तो ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक कर ले जाओगे। तो जब आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम दी हो तो उस रिसर्च प्रॉब्लम को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर लें और उसको ध्यान से धीरे धीरे करके पढ़ें और समझें कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसका इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, कौन असर डाल रहा है और किस पे असर पड़ रहा है, इन दोनों चीज़ों को आपको समझना है, देन आपको इन वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो जैसे असर डालता कौन है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो असर डालता है, और असर पड़ता किस पे है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पे असर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में असर कौन डाल रहा है, टीचिंग मेथड्स असर डाल रहे हैं किसके ऊपर, स्कॉलरस्टिक अचीवमेंट के ऊपर। ये क्वेश्चन तो इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए, मैंने आपको एग्जांपल जो समझाया था वो एग्जांपल भी एज इट इज ऐसा ही था, टीचिंग मेथड्स और लर्निंग आउटकम के ऊपर। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए और खुद से करने की कोशिश करिए, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्किप ना करें, उन क्वेश्चंस को आप जरूर करें। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, देन उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे कहीं भी आप उनको प्रैक्टिस करिए। तो आई होप आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।